आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनाजों के नाम हिंदी और संस्कृत में। भाषा के विकास के लिए शब्दों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, और चूँकि हम लोग संस्कृत भाषा हिंदी के माध्यम से सीख रहे हैं, इसलिए आज हम आपको अनाजों के नाम बताएंगे, जो कि हिंदी के माध्यम से संस्कृत भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनाजों के नाम और उनके संस्कृत शब्द। अनाजों के नाम हिंदी और संस्कृत। सबसे पहले हम लोग अनाजों के नाम पढ़ रहे हैं, इसलिए अनाज को संस्कृत में अन्नम कहते हैं। यह नपुंसक लिंग शब्द है। दाल को अरहर की दाल है, तो अरहर को संस्कृत में आढ़की कहते हैं, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। आटा, आटा को संस्कृत में गोधूम चूर्णम कहते हैं, और यह नपुंसक लिंग शब्द है। लिंग बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि चूंकि ये शब्द है तो इसका रूप आपको विभक्तियों और वचनों के अनुसार चलता है, तो अगर आपको लिंग पता होगा तो आप इसका विभक्ति और वचन के अनुसार इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उड़द, उड़द को संस्कृत में माशह कहते हैं, और यह पुल्लिंग शब्द है। गेहूं, गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं, और चूंकि गेहूं से आटा बनता है इसलिए आटा को गोधूम चूर्णम कहते हैं, और गोधूम जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। चना, चना को संस्कृत में चणकह कहते हैं, और यह पुल्लिंग शब्द है। चावल, चावल को तंडुलम कहते हैं, चावल को संस्कृत में तंडुलम कहते हैं, लेकिन यही चावल अगर पका दिया जाता है और वो भात के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो भात को ओदनम कहते हैं, और चावल को, कच्चे चावल को तंडुलम कहते हैं। यह तंडुलह, यह पुल्लिंग शब्द है। यवह, जौ, जौ को हम लोग संस्कृत में यवह कहते हैं, और यह पुल्लिंग शब्द है। तिल, तिल को संस्कृत में तिलह कहा जाता है। अगर सफ़ेद तिल है तो उसे श्वेत तिलह कहेंगे, और अगर काला वाला तिल है तो उसे कृष्ण तिलह या श्याम तिलह कहेंगे। ये पुल्लिंग शब्द है। दाल, किसी भी प्रकार की दाल है, अगर उसका नाम नहीं दिया है कि अरहर की है कि मसूर की है कि मूंग है, तो उसे हम द्विदलम कहेंगे। दाल को द्विदलम कहते हैं, और अगर आपसे कोई पूछे कि अरहर की दाल तो आप कहेंगे आढ़की द्विदलम। तो दाल जो है द्विदलम, यह नपुंसक लिंग शब्द है। धान को संस्कृत में धान्यम कहते हैं, और यह नपुंसक लिंग शब्द है। बाजरा, बाजरा को संस्कृत में प्रियंगुह कहते हैं, और यह पुल्लिंग शब्द है। मटर, मटर को संस्कृत में कलायह कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है। मसूर, अभी देखिएगा किसी खास दाल का नाम है तो मसूर को संस्कृत में मसूरा कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है। मूंग, मूंग को संस्कृत में मृदग्गह कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है। बेसन, बेसन को संस्कृत में चूर्णम कहा जाता है, चणक चूर्णम, चूँकि
चने के चूर्ण को से बेसन बनता है तो इसे कहते हैं चणक चूर्णम। यह नपुंसकलिंग शब्द है। सरसों, सरसों को सरसपह कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है। सामा, सामा को संस्कृत में श्यामाकह कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है। तो आज मैंने आपको संस्कृत और हिंदी में अनाजों के नाम बताए। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।